आप सोचिए भाई हो गया नहीं हटिया से तेरे पति को भी जानता हूँ बनी समझी। अगर लगाना पेड़ तो इलाज कर देना कहीं पर बुला के स्टाफ को तुझे दो कोड़ी के गाड़ देगा तू पेड़ उखाड़ देगी यहाँ। ये मेरी प्रॉमिस है। किसने कहा? अरे हमने खरीद दिया भाई पूरी ये हाँ पूरी तू मालिक है यहाँ की वहाँ हाजर इसे लेके आया इसे बरमा राजवीर से ध्यान रखना तू चली जाएगी वैसे भी इलाज कर गया चल अभी लैंग्वेज देख पहले मैं ग्रैंड ओमैक्स में रहती हूँ। एक यहाँ ग्राउंड फ्लोर का बंदा है जो एनक्रोचमेंट कर रहा था छोटे प्लांट बड़े प्लांट्स लगा रहा था। बड़े प्लांट्स को बहुत पहले लगा चुका था अब छोटे प्लांट्स लगाए। मैंने आके बोला कि ये प्लांट्स हटा दो तो वो नहीं मान रहा था। मैंने हटाया तो बोलता है अगर तू मेरे पौधे छुएगी तो मैं तुझे छूंगा। एंड ही यूज बैड लैंग्वेजेस। मैं तब भी आप करके उससे बात करी थी पर उसने तब भी मुझे बहुत गालियां दी। उसका नाम श्रीकांत त्यागी है। उसने मुझे भी बदतमी से बोला मेरे हस्बैंड के लिए भी बोला और बच्चों के लिए भी बोला बीजेपी का नाम लेने के और मुझे धक्का दे रहा। कह रहे तूने अगर हाथ लगाया इसको तो मैं तुझे देखूंगा। छोटे पौधे लगा रहे थे उसके चक्कर में जो इन्होंने ये इतने टाइम से लगाए हुए थे सारे रेजिडेंट्स ने मिल के इनको हटा दिया क्योंकि इनकी ये पर्सनल प्लेस नहीं है। पर्सनल प्लेस नहीं है पूरा सोसाइटी का प्लांट्स लगाने पूरे सोसाइटी में इसको लगा के अपना पर्सनल एरिया बना रहे हैं। ये जो अब्यूज बोला है इसे सॉरी बोलना पड़ेगा और बाहर निकले आके सोसाइटी में बड़े भी रहते सीनियर सिटीजन का लैंग्वेज अच्छी रहती है। श्रीकांत त्यागी नाम का कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी महिला से अभद्रता करते हुए नजर आ रहे हैं ऐसा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि श्रीकांत त्यागी नाम का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मेंबर कभी न था न कभी है। उसका किसान मोर्चे से कोई वास्ता नहीं है। सरकार और कानून अपना काम करे उसके खिलाफ उचित कार्रवाई कानूनी कार्रवाई करे ये हम चाहते हैं। देखिए कल यानी 5 तारीख के दोपहर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें नोएडा के सेक्टर 93 की सोसाइटी में रहने वाला श्रीकांत त्यागी नाम का एक व्यक्ति एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार करता हुआ पाया गया। मामला जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आया हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और अभियोग पंजीकृत करने के बाद हमारी कई सारी टीमें इसको गिरफ्तार करने में लगी। अरेस्टिंग के क्रम में हम लोगों ने इस व्यक्ति के 4 अत्यंत करीबी लोगों को हिरासत में लिया। उनसे बहुत सारी जानकारी ली गई। पूछताछ चल रही है उन लोगों से। वहां पे 3 गाड़ियां थी। 2 गाड़ियां उसमें एमबी एक्ट के प्रोविजंस के विरुद्ध पाई गई उनको सीज किया गया और 1 गाड़ी जो फॉर्चुनर खड़ी थी उस पर उत्तर प्रदेश शासन के का जो राजकीय चिन्ह है उसका दुरुपयोग करता हुआ दिखा पाया गया। उसमें हम लोगों ने अलग से एक अभियोग पंजीकृत किया है। हमारी टीमें लगातार इसके ठिकानों पर और इसके जितने पॉसिबल वेयर अबाउट्स हो सकते हैं ठिकाने हो सकते हैं वहां पे हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि श्रीकांत त्यागी को गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षाकर्मी प्रदान नहीं की गई थी जैसा कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये बातें आ रही हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि हम लोग बहुत जल्दी इस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे और इसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.